आज 6.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और ये परिवर्तन यात्रा EVM की भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा 16 तारीख से कर्नाटक में शुरू होते हुए आज भटकल में आई हुई है। हम जिंदगी में पहली बार भटकल में आए हैं और आप सभी को यहाँ पर देखते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरे भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए। जब शाहीन बाग में गए तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वहाँ पर मैं देखा तो एक महिला 1.25 महीने की बच्ची को लेकर बैठी है, तो कोई 1 साल की बच्ची को लेकर बैठी है और ठंडी ऐसी थी कि हड्डी भी पिघल जाए और जो जिसका सीना कमज़ोर हो हुआ तो वहाँ पर बैठ ही नहीं सकता है। ऐसी ठंडी के मौसम में वो महिलाएं हमारे पुरुषों को ताकत देने के लिए और हमारा अस्तित्व बचाने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होकर वो लड़ाई लड़ रही है। ऐसी शाहीन बाग की सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद करती हूँ और उनको चलती हूँ। मैं रोज जब भी फेसबुक में पढ़ती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि शाहीन बाग की महिलाओं के बारे में न जाने क्या क्या वो लोग बेफालतू बातें करते रहते हैं, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत सालों से हम खामोश थे, बहुत सालों से खामोश थे इसलिए तुम समझ बैठे कि हम गूंगे और बहरे हैं। बहुत सालों से खामोश थे तो तुम समझ बैठे कि हम गूंगे और बहरे हैं। अरे नादानो तुम क्या जानो हम इस देश की मिट्टी के मूल्यवान, हम इस देश के मूल निवासी हैं और आप हमसे कहते हो कि कागज लाओ। हम किसी कागज के मोहताज नहीं हैं, हम तुम्हें कोई भी कागज दिखाने वाले नहीं हैं। मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों में कहीं कहीं छोटी छोटी मैं ज्यादा धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं जानती हूँ। कागज दिखाओ, अरे कागज नहीं हम तो खून दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। एक बाप की औलाद हो तो खून चेक करके दिखाओ, तुम्हारा DNA और हमारा DNA जिसका विदेश चला जाएगा। मैं अपने भाई को कहना चाहती हूँ कि मुझे महिलाओं के बारे में आप लोगों को मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर महिला यहाँ पर नहीं आई क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कम से कम ऐसे जलसों में आप अपनी महिलाओं को भी साथ में लाइए। क्यों? क्योंकि ये महिला जो है आपका सुरक्षा कवच है। जब भी मैंने कहीं पर भी पढ़ा है तो वो लोग कहते हैं कि मुस्लिम टोपी और बड़ी दाढ़ी के कारण वो मुस्लिम था इसलिए वो मारा गया, उसको जेल में फंसा गया हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी माँ बहन बेटी जो है आपका सुरक्षा कवच है। जब आप उसको साथ में लेके निकलोगे तो कोई भी पुलिस क्या या कोई भी ऐसे विदेशी तत्व आपको अपने आपकी वहाँ बहन बेटी के साथ में देखेगा वो 1 कदम आगे नहीं 10 कदम पीछे चला जाएगा। तो मेरे भाइयों हमें इस देश के अंदर जो हो रहा है हमको सभी को मिलकर